छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय नगर क्षेत्र में शनिवार को बेसिक ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता नगर क्षेत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयप्रकाश और विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एन सिंह ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में नगर के 11 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अतिथियों के स्वागत में विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयप्रकाश और नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा ने कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयप्रकाश ने कहा, जिला स्वतंत्रता की संपन्न होते हुए बालक की कर्म आज यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चे खेलते हैं और साल में एक बार इनका कार्यक्रम यहाँ पर होता है। नगर क्षेत्र की प्रतियोगिता में जो छात्र विजयी होंगे वे जनपद स्तर पर खेलेंगे, उसके बाद जनपद स्तर के बाद फिर मंडल स्तर पर और इस तरह से प्रदेश स्तर पर ये बच्चे पहुँच करके अपना स्थान बनाएंगे। आज मैं इस अवसर पर अपने मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय मिल दे करके यहाँ हमारे नगर क्षेत्र के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं एवं बच्चों का सहयोग आपने बढ़ाया। सबको एक हर्ष का की भावना उत्पन्न हुई, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सभी अध्यापकों से यह भी अनुरोध है, ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा, इसे सभी लोग अनुशासित ढंग से खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न कराएंगे और कहीं किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न आने पाए, ये मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ। और खेलकूद की प्रतियोगिता एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का मैं अनुरोध आप लोगों से करता हूँ। 100 मीटर की रेस मुख्य अतिथि के सामने हो, जूनियर बालिका इसी क्रम में आजा जिंद शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले नगर क्षेत्र की बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के इस अवसर पे जो बच्चों में उत्साह दिख रहा है, बच्चे जिस तरीके से कार्यक्रम करने के लिए उत्साहित हैं वह वास्तव में वाकई तारीफ है और कहीं न कहीं यह हमारे शिक्षकों की देन है कि शिक्षक इस क्षेत्र में भी प्रयास है। बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही आगे नहीं हैं बल्कि खेल क्रीड़ा आदि प्रतियोगिताओं में भी वे अपना कौशल दिखाने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं।
इसके लिए सभी जनपद के नगर क्षेत्र के सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। इस प्रतियोगिता के अवसर पर मैं सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वे सभी प्रतियोगिताओं में वे अव्वल रहें, वे अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करें। मेरी ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। सार्वजनिक के आज खेल प्रतियोगिता है। खेल के माध्यम से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है, बच्चों में अनुशासन आता है और बच्चे काफ़ी इससे सीखते हैं।